नमस्कार, कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में आप सभी का स्वागत है। अच्छा स्वास्थ्य मनुष्य के लिए एक अमूल्य संपत्ति होती है, परंतु फिर भी कई बार हमें कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज कई तरह की चिकित्सीय पद्धतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें आयुर्वेद जो कि सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। आयुर्वेद में अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी उपचार शामिल है। आयुर्वेद से कैसे हम अच्छा उपचार प्राप्त कर सकते हैं, कैसे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर आज कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे। और कार्यक्रम में हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर निशा वर्मा जी, जो कि अर्की में कार्यरत हैं। वहां पर वो सब डिविजनल आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर निशा, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू डिंपल, आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर निशा, जैसे कि ये शब्द आयुर्वेद, मुझे लगता है ये बहुत ही एक व्यापक शब्द है और अपने आप में कुछ अलग ही संदेश देता है, तो सबसे पहले मैं आपसे इस शब्द के मायने जानना चाहूँगी। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आयुर्वेद अपने आप में एक बहुत व्यापक शब्द है। पहले तो मैं आपको इसका शाब्दिक अर्थ समझाती हूँ, शायद उससे आपको समझने में आसानी होगी। आयुर्वेद, आयु वेद, आयु यानी लाइफ, जीवन, वेद यानी कि ज्ञान। तो जो जीवन का ज्ञान है वही आयुर्वेद है, यानी कि जीवन को कैसे जीव, इसमें आहार विहार है, शैली है और अन्य जो कुछ भी जीवन से संबंधित है वही, उसका ज्ञान ही आयुर्वेद है। और ना केवल मनुष्यों के लिए बल्कि हमारे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, ये जितना भी जीवन है उसमें जो जीवन का ज्ञान है वही आयुर्वेद है। तो क्या डॉक्टर निशा, जैसे हम बात करते हैं कि एक चिकित्सा पद्धति है, तो क्या हम सिर्फ इसे एक जीवन शैली के तौर पर देखते हैं, या जैसे आपने इसका व्यापक रूप में जैसे इसका अर्थ समझाया, हम उस रूप में इसे देखें? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर लोगों को आयुर्वेद के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। जी, उसका कारण हम लोग जानते हैं कि बहुत सालों तक हमारे आयुर्वेद मुगल काल है, ब्रिटिश काल है, उस टाइम में सारा ज्ञान लुप्त हो गया जी। और जो बचा कुचा ज्ञान था उसके बेस पे आज हम आयुर्वेद को नापते हैं। लेकिन आयुर्वेद एक बहुत ही व्यापक शब्द है जिसमें पूरे जीवन का ज्ञान है। चिकित्सा पद्धति तो इसका एक छोटा सा हिस्सा है जी। तो आयुर्वेद को हम ना केवल चिकित्सा पद्धति लें, इसको हम जीवन का ज्ञान लें, जीवन को कैसे जीना है, जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे जागना चाहिए, क्या खाना चाहिए और किस ऋतु और दिनचर्या के हिसाब से हमें जीवन जीना चाहिए, इवन हमें क्या सोचना चाहिए जी। जो जीवन के जीवन को स्वस्थ बनाता है वो सारा ज्ञान आयुर्वेद में है। तो इसको हम सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति मान के हम उसे बहुत छोटा कर रहे हैं, बहुत सीमित कर रहे हैं, और जबकि ये बहुत ही वास्ट साइंस है। बेसिकली ये प्राचीनतम लॉजिकल साइंस है जिसे हमें अब समझना पड़ेगा। ये वक्त है, मुझे लगता है कि लोग भी तैयार हो चुके हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद के बारे में जानें और उन्हें जानना चाहिए जी। डॉक्टर निशा, जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं, तो आपसे जानना चाहूँगी कि जो स्वस्थ जीवन का यदि हम आधार कहें तो आयुर्वेद में उसे किसे कहा गया है? अगर आज के वक्त को हम देखें तो स्वस्थ जीवन का आहार मुख्यतः क्या है? एक तो आहार ही है जी, पहली बात। दूसरा हमारा क्या है? रहन सहन, क्योंकि ज़्यादातर जो रोग आजकल हो रहे हैं वो जीवन शैली से संबंधित है, आहार से संबंधित है। तीसरा निद्रा, जिस चीज़ को हम बड़ी छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं कि पिल्स खा ली या नहीं सोए, जबकि निद्रा का बहुत अहम रोल है जीवन को स्वस्थ रखने में। और एक चौथा जो आस्पेक्ट है आयुर्वेद में वो है विचार। तो ये सारे जो कॉम्पोनेंट्स हैं इसको आयुर्वेद में इसके बारे में बात की गई है। और एक बहुत बड़ा विषय है, अगर आपको शायद हैरानी होगी कि आप जैसे कई बार योग की बात करते हैं जी। तो योग आयुर्वेद का हिस्सा है, नेचुरोपैथी आयुर्वेद का हिस्सा है, आपके शोधन चिकित्सा अगर आपने पढ़ा है, पंचकर्म जो हम बोलते हैं जी, वो आयुर्वेद का चिकित्सा है, और ब्लड लेटिंग जिसको बोलते हैं, हमारे रक्त मोक्षण जिसको बोलते हैं, वो आयुर्वेद का हिस्सा है। और इसके अलावा आहार विहार में, इसके मतलब कौन से काल में किस चीज़ का प्रयोग किया जाए वो आयुर्वेद का हिस्सा है। नेचुरोपैथी में जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं वो सब आयुर्वेद का हिस्सा है। इसमें मुख्यतः जैसे द्रव्य गुण विज्ञान बोलते हैं, औषध विज्ञान, वो आयुर्वेद का हिस्सा है। रसशास्त्र आयुर्वेद का हिस्सा है। तो
सारा जीवन जो हमारा है वो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है जी। और ये जो चलो आप और एक ही प्रश्न में हम इसको कंपाइल नहीं कर सकते जी। आपने आहार की बात की, दिनचर्या की बात की, तो हम जैसे आपने कहा कि हम एक ही प्रश्न पे ना रहे, हम आगे बढ़े और स्वस्थ जीवन जो है वो कैसे जिया जा सकता है वो आज हम आपसे जान लें। तो डॉक्टर निशा, आहार की यदि हम बात करें तो कैसा आहार होना चाहिए एक व्यक्ति का कि जो उसका जीवन है वो उसे बीमारियों की ओर लेके ही ना जाए, वो पहले ही जो है उसका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे। बिल्कुल, जैसे आप बता रहे हैं हमने तीन चार चीज़ें डिस्कस करी कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्या या हमारा लाइफस्टाइल हो गया जी। तो इसमें पहला जो कंपोनेंट है वो है आहार जी। क्योंकि लेकिन एक वक्त आया है हमारा बीच में कि हमने सिर्फ डाइट को ही, हम फिजिकल हेल्थ की ही बात करते हैं जी। तो आप बोलते हैं स्वस्थ जीवन कैसे रहा जाए, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्वस्थ होना है क्या जी, स्वस्थ होना होता क्या है। अब फिजिकल हेल्थ को ही, सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को ही हम स्वास्थ्य नहीं बोल सकते जी। आयुर्वेद में इसकी बहुत अच्छी परिभाषा दी गई है कि सम दोषा सम अग्निश सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा मन इंद्रिया स्वस्थम इति अभिधीयते। तो शुरू का जो लाइन है उसका मतलब है जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो तो नॉर्मल होने ही चाहिए जी। पर प्रसन्न आत्मा, जो मैं एक्चुअली लोगों को समझाना चाहती हूँ कि प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न मन, प्रसन्न इंद्रियां, जब तक स्वस्थ मन नहीं होगा, हमारी इंद्रियां खुश नहीं होगी, हमारी आत्मा खुश नहीं होगी, तब तक हम स्वस्थ अपने आप को नहीं कह सकते। तो आहार तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है। हमें अगर स्वास्थ्य की परिभाषा देखनी है और आयुर्वेद को अगर लेके चलना है तो हम पहले शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते थे जी। फिर धीरे धीरे वेस्टर्न वर्ल्ड से आया है जी मानसिक स्वास्थ्य होता है, जबकि हमारे आयुर्वेद में लाखों सालों से मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं जी। एक तीसरा विषय एक और अछूता है, वो है स्पिरिचुअल हेल्थ जी, जिसके बारे में अभी तक लोग जान रहे हैं या धीरे धीरे जानेंगे, जो भी स्वस्थ रहने में महत्वपूर्ण है। लेकिन ये बड़े वास्ट सब्जेक्ट हैं, हम जैसे जैसे एक टॉपिक पे आगे चलेंगे तो वैसे बात करेंगे जी। पर जहाँ तक आपने आहार की बात करी तो आयुर्वेद में आहार का बड़ा महत्व बताया गया है, जिसमें तीन दोष बताएंगे, वात, पित्त, कफ, और सात धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये बॉडी के बॉडी की मतलब जैसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं ना, इससे ये बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मेद बनता है जी। तो वैसे ही जो भी हम खाने खाते हैं, जो भी हमारा आहार होता है, उसमें जो जो चीज़ में जो जो मात्रा ज़्यादा होती है वही हमारे शरीर में उस चीज़ को बढ़ाता है जी। तो उसी में हमारे आयुर्वेद में सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार की बात करी गई है। अगर आप सात्विक आहार लेते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपका मन अच्छे विचार सोचता है। अब राजसिक आहार लेते हैं तो थोड़ा चंचलता आती है, और अगर तामसिक आहार लेते हैं तो कई दोष यानी कि कई तरह की बीमारियां हमारी बॉडी में पैदा हो जाती है जी। तो आज के वक्त में जैसे आहार में हम बोलते हैं ना बैलेंस्ड डाइट जी, तो हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं कि बैलेंस्ड डाइट के लिए हमारे क्या होना चाहिए, सत्व, रज और तम और वात, पित्त, कफ जी। ये जो दोष हैं और ये जो तीन धातु ये गुण हैं, ये जब साम्य अवस्था में होंगे यानी कि बैलेंस्ड होंगे, तब और जिस आहार में ये सब कुछ होगा वही हमारा अच्छा आहार है जी। उसके लिए संपूर्ण रस होने चाहिए। हम मॉडर्न साइंस में बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, फैट्स कितने हैं, ये कितने हैं, फलाना कितने हैं, लेकिन हम आयुर्वेद में हम रसों की बात करते हैं जी। जैसे मधुर रस है, अम्ल रस है, कटु रस, कटु तिक्त कषाय, जिस भोजन में ये सारे रस होंगे वो बॉडी में उन रसों को बैलेंस रखेगा, वही आहार अच्छा है शरीर के लिए जी। आपने निद्रा की भी बात की कि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है व्यक्ति के स्वस्थ होने में, तो उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि व्यक्ति को कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोगों को नींद प्रॉपर नहीं आती या फिर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो इसके क्या कारण रहते हैं और ये स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालता है? देखिए, मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि आयुर्वेद में तीन स्तंभ बोले जाते हैं कि स्वस्थ रहने के तीन स्तंभ क्या है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य की बात बाद में रखते हैं। तो निद्रा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शरीर को शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है जी। निद्रा का वो वक्त होता है जब सारा दिन हम कार्य करते हैं, हमारे शरीर, हमारा मानस पूरा दिन हम वो बिजी रहते हैं जी। तो रात को वो वक्त होता है निद्रा का जिसमें वो पूरी रिपेयर होती है, पूरा उसकी मरम्मत होती है। अब आप सारा दिन चल रहे हैं, अगर बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा, जो वियर टियर है, अगर उसको हम रेस्ट ही नहीं देंगे, उसको अगले दिन के लिए प्रिपेयर ही नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट डे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाएगी जी। तो वैसे हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो तभी प्रॉपर होगी जब उसको नींद पूरी मिलेगी।
तो वो नींद का ये है कि किसी को 6 घंटे की ज़रूरत है, किसी को 7-8, तो 6 से 10 घंटे की नींद जो है वो हर इंसान को बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारे मानसिक स्वास्थ्य भी के लिए भी बहुत ज़रूरी है और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप कभी देखें कि अगर हम रात को ना सोएं तो अगले दिन क्या महसूस करते हैं आप? थकान। क्यों करते हैं थकान महसूस? क्योंकि जो रेस्ट हमें नींद देती है वो हमें नहीं मिलता है, तो हमें थकान होती है, तो हमारी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। अगर आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है तो आपकी मानसिक भी तो होती होगी जी। तो आपकी परफॉर्मेंस दोनों लेवल पे, मेंटल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे, निद्रा के बिना वो हैम्पर होती है, कहीं ना कहीं रुकावट आती है। और आज के टाइम में बेसिकली जब हम गैजेट्स का यूज़ करते हैं, टीवी ज़्यादा देखते हैं, मोबाइल्स हम रात रात चलाते रहते हैं जी, तो ये जो लाइट्स पड़ती हैं आँखों में, ये सारी नींद को ख़राब करती है। और मज़े की बात ये है कि नींद का टाइम कोई नहीं है, जबकि ईश्वर ने, प्रकृति ने तो हमें ये कहा है कि जैसे अंधेरा होता है हम सो जाएं और जैसे ही सुबह होती है हम जाग जाएं, हमने उसको पूरी तरह से ख़राब कर दिया है। और ये जो क्लॉक है, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक आज की भाषा में अगर कहें, ये शरीर को स्वस्थ रखती है। तो जब हम बायोलॉजिकल क्लॉक को ही ख़राब कर देंगे, उसकी टिकटिक ही ख़राब होगी कि किस वक्त उसने सोना है, किस वक्त जागना है, तो हार्मोनल इम्बेलेंस सारा ख़राब हो जाएगा जी। आपने ब्रेकफास्ट करना है, आपको भूख लगती है, आपने लंच करना है, भूख लगती है जी, वो आपकी बॉडी को कैसे पता है कि मैंने इसी वक्त करना है? क्योंकि आप जब टाइम पे खाना खाएंगे तो आपको भूख लगेगी, वैसे ही अगर आप टाइम पे सोएंगे और जागेंगे तो आपकी नींद बिल्कुल सही रहेगी जी। जब हम नींद को ख़राब करना शुरू करते हैं तो वो क्लॉक ख़राब हो जाती है और हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, और सारा हॉर्मोनल, जिसको बोलते हैं केमिकल लोचा ही तो है, बॉडी इज अ मशीन जी, तो ये ख़राब हो जाती है। तो नींद का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आपने काफ़ी बताया हमें कि किस तरह से जो है समय समय पर, जिस चीज़ का समय है उसी समय पर वो चीज़ होनी चाहिए। तो डॉक्टर निशा, आपसे दिनचर्या के बारे में भी जानना चाहेंगी कि क्या दिनचर्या बताई गई है आयुर्वेद में, जिसे कि जो व्यक्ति है वो फॉलो कर सके और अच्छा जो है स्वस्थ जीवन जी सके? हाँ, आयुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा है दिनचर्या और ऋतुचर्या जी। दिन मतलब 24 घंटे, ऋतुचर्या यानी कि पूरा साल जो अलग अलग ऋतुएं आती हैं उनके हिसाब से, क्योंकि सेम दिनचर्या तो हम हमेशा नहीं रख सकते ना जी। गर्मी में आप सर्दी वाले खाने नहीं खा सकते जी, सर्दी में आप गर्मी वाले कपड़े नहीं पहन सकते। तो इसका मतलब ये है कि हर ऋतु हर दिन अलग है, और आयुर्वेद में इसकी व्याख्या इतने अच्छे ढंग से की गई है कि सुबह से लेकर शाम तक हमें क्या करना चाहिए और किस ऋतु में क्या किया जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या कार्य करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, डूज एंड डोंट्स सब कुछ है। अगर हम सिंपल दिनचर्या की बात करें तो स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा नियम है कि प्रातः सूर्य निकलने से पहले हमें उठना चाहिए जी, और सूर्य के छिपने के बाद कुछ समय बाद ही खाना खा के सो जाना चाहिए। लेकिन ये आज के टाइम में हमें लगता है कि पॉसिबल नहीं है, हम सोचते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए तो ये ज़रूरी है। और प्रातः उठते ही हम लोग क्या करते हैं कि पहले कहा जाता था कि दातून करते थे लोग जी, शौच जाते थे और उसके बाद हम खाना खाते थे, पर हम क्या करते हैं, अब सुबह उठते ही बैटरी लेते हैं, तो सबसे पहले तो हम वहीं ख़राब कर लेते हैं। या कुछ लोग हाथ में ब्रश उठाकर ब्रश करना शुरू कर देते हैं, ये अंग्रेज़ी लोगों की देन है, जिस चीज़ को हमने अपना स्टाइल बना लिया, बट दैट इज़ वेरी रॉन्ग। सुबह उठ के सबसे पहले हमें पानी पीना चाहिए, और आयुर्वेद में बताया गया है कि जो तांबे की गड़वी में रात को पानी रखा जाता है वो एंटीवायरल, एंटीफंगल और किसी भी तरह के बैक्टीरिया से फ्री हो जाता है जी। इसीलिए सुबह उठ के हमें बजाय ब्रश करने के जो मुंह में घूंट लेकर उसको अच्छे से कुल्ला करके उसको अंदर ले जाना चाहिए। आप जानते हैं जानवर अपने सलाइवा से ही सब कुछ ठीक कर देते हैं जी, उसका रीज़न यही है, हम उसको थूक देते हैं जी और जानवर उसी से सब कुछ ठीक करते हैं, वो तो कुल्ला नहीं करते ना जी। तो जो हमारा सलाइवा होता है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। रात भर जो इकट्ठा होता है, तो हमें सुबह उठ के ब्रश नहीं करना है, हमें कुल्ला करना है और उस कुल्ले को मुंह में अंदर ले जाना है जी। उसके बाद आप ब्रश कुल्ला करिए और पानी पीजिए, पानी ज़्यादा पियेंगे तो आपका पेट साफ अच्छे से होगा। फिर ये नहीं कि चाय पीनी है तो आपका जिसको बोलते हैं नाश्ता जो है वो वक्त पे होना चाहिए। अब नाश्ते में क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए फिर वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जी। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि प्रातः जल्दी उठ के चाय पे नहीं आना है, दातून करनी है अगर आपको करनी है वो खाने के बाद करनी चाहिए, ताकि जो दांतों में हमारे खाने के पार्टिकल्स फंस जाते हैं उनको हम साफ कर सकें। उसको हमने ब्रश से इरोड कर दिया, इरोजन ज़्यादा है, इसी वजह से आजकल केरीज ज़्यादा होती है, बच्चों को भी है बड़ों को भी है। हम ब्रश तो करते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक्सेसिव ब्रशिंग से क्या होता है जी। उसके लिए आयुर्वेद में दातून का, दंत शोधन
जो दिनचर्या में बताया गया था कि दंत शोधन वो तिरमिरा है, फिर आगे बना है, कई चीज़ें हैं जिनसे ना केवल दांत साफ होते थे बल्कि जो उनका रस होता था वो औषध द्रव्यों से युक्त होता था और हमारे मसूड़ों को स्ट्रांग करता था और दांतों को कीड़ा नहीं लगने देता था, तो इसीलिए दंत शोधन का था। फिर खाना आप खा रहे हैं तो प्रातः काल में हमने कैसा खाना खाना है, तो जो सबसे गरिष्ठ भोजन बोलते हैं हैवी फूड, वो मॉर्निंग टाइम की डाइट में होना चाहिए। दिन में फिर आपका थोड़ा उससे कम हल्का होना चाहिए और रात का सबसे हल्का होना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, मॉर्निंग खाते हैं नहीं खाते हमें नहीं पता जी। दिन में हम कुछ भी बाहर से जंक फूड लेकर खा लेते हैं, सिर्फ हम रात का भोजन बहुत अच्छे से करते हैं क्योंकि सब लोग कामकाजी हैं जी। और वो खाना इतना ठूस के खा लेते हैं और फिर हम सो जाते हैं, टीवी देखते हैं जी। तो बीमारी की जड़ तो वही है कि जब हमें खाना खाना चाहिए तो हमने खाया नहीं, बॉडी में एसिड बन रहे हैं, पाचक जूसेज हैं उनको खाना नहीं मिल रहा है, तो वो खट्टा जिसको बोलते हैं रोज़ की अम्लपित्त हो रहा है, तो वो एक कारण है। दिन के टाइम भी हम रेगुलर टाइम पे मील हमारा नहीं है तो वो भी उस टाइम पे भी एसिड निकलते जिनको पाचक जूस बोलते हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है तो वो खट्टा क्रिएट करेंगे, रात को वो खट्टा इकट्ठा हो जाता है और फिर हम ठूस के खा लेते हैं तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होता क्योंकि हम लेट जाते हैं, खाने के बाद थोड़ी देर चलना ज़रूरी है। और रात का भोजन सबसे लघु होना चाहिए तो वो हम ज़्यादा खा लेते हैं और उसके बाद हम सो जाते हैं जिसकी वजह से उसका पाचन नहीं होता। यही वजह है कि आज के टाइम में सारी ज़्यादा की ज़्यादा बीमारियाँ वो पेट से रिलेटेड हैं। तो दिनचर्या का तो ये महत्व है जी। फिर दिनचर्या ऋतुचर्या के हिसाब से चेंज होती है, जैसे सर्दी है तो सर्दी में जो हमारा खान पान था वो कैसा होता था, हम यूश जिसको हम सूप बोलते हैं आज जी, तो वो लेते थे खाने से पहले ताकि वो उनमें जो हम काली मिर्च काला नमक या ऐसे ऐसे औषधियाँ औषध द्रव्य यूज़ करते थे उसे भूख लगती थी जी। तो सर्दियों में हम भारी आहार जिसको गरिष्ठ भोजन है तला हुआ पका हुआ खूब तिल के लड्डू अलसी के लड्डू और मालपुड़े या जो हमारी भाषा में जो भी अलग अलग रीजन्स के अलग अलग डिशेज हैं जी, तो भारी भोजन के लिए सर्दियाँ बनी थी, बरसात बनी थी, बरसात के लिए फिर पेट जनित बीमारियाँ होती है, तो खान पान उसी हिसाब से ऋतुचर्या के हिसाब से बनाया गया था। गर्मियां हैं, गर्मियां में गर्मी ज्यादा होती है तो हमें शीतल पेय बनाए गए थे, तो शीतल पेय भी ऐसे थे कि ज्यादा से ज्यादा पानी हम उसमें ले सकें, वो चाहे आम का पानी है चाहे नींबू का पानी है या जो भी सीजनल हमारी चीजें मिलती थी उनके अलग अलग ऋतु के हिसाब से और वो भी सीजनल। अब हम क्या करते हैं, हमें थ्रू आउट ईयर हर तरह के चीजें मिलती हैं लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से वो सही नहीं है। ईश्वर ने हमें प्रकृति में जो दिया है वही हमारे शरीर के लिए और हर ऋतु के अनुसार हर दिन के अनुसार वही हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकता है जो सीजनल है। तो हमें प्राकृतिक भोजन, प्राकृतिक फल और प्राकृतिक दिनचर्या और ऋतुचर्या से के हिसाब से जीवन जीना चाहिए जी। डॉक्टर निशा आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से ऋतुओं के अनुसार और जो हमारी दिनचर्या है अगर वो सही रहेगी तो हर व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रह सकता है। आगे हम बात कर रहे थे, आपने कहा आधार जो हमारे हैं स्वस्थ जीवन के जो चार आधार हैं उन्हीं पे मैं दोबारा आना चाहूँगी कि विचारों का आपने बहुत महत्व दिया है कि विचार भी जो हैं वो बहुत महत्व रखते हैं। आज के समय में अगर हम बात करें तो जो लोग हैं वो स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो क्या इन विचारों का इस पर भी प्रभाव पड़ता है? आयुर्वेद क्या इस तनाव से मुक्ति के लिए भी किसी तरह का उपाय बताता है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक बोला कि आज के हमारी जो जीवन शैली है ये जीवन शैली से रिलेटेड ही है जी, क्योंकि नींद भी जीवन शैली से रिलेटेड है, आहार भी, आहार क्यों हमारा खराब हो रहा है, टाइम नहीं है ठीक है, हमारी लाइफस्टाइल की जो डिजीजेज है जैसे आजकल हार्ट अटैक्स है या डायबिटीज है, डायबिटीज कैपिटल बता रहे हैं इंडिया को कि अब तो मधुमेह के रोगी बहुत हैं जी, उसका कारण क्या है, जीवन शैली। बेसिकली मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो आहार जनित और जीवन शैली लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती है और साथ में एडिशन होता है हमारा जो आपने बोला मानसिक विचारों का बोलो या मानसिक चिंता का बोलो या अनिद्रा का बोलो, वो सारी चीज़ें। और जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें प्रेशर प्रेशर प्रेशर, हर वक्त गैजेट साथ हैं, खाने का कोई टाइम नहीं है, सोच हमारी अच्छी नहीं है क्योंकि हमने सारी चीज़ें, हमारा सारा अट्रैक्शन जो है वो फिजिकल हेल्थ पे है, मेंटल हम सोचना ही नहीं चाहते कि मानसिक विचारों का भी स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद, अगर आप, मैं नहीं जानती कि हमारे लोगों को पता है या नहीं है, आयुर्वेद वेद का हिस्सा है और वेद सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, जब कुछ नहीं था तो वेद थे और वेद में सारा सिर्फ जीवन का ज्ञान नहीं है, हर तरह का ज्ञान है, उसमें से एक वेद है अथर्ववेद और अथर्ववेद का हिस्सा है, उसी में से आयुर्वेद निकला है। तो आयुर्वेद में हमारे जो मनुष्यों ने विचारों के बारे में बात करी है, विचारों को पढ़ना या जिसको तपस्या बोलते थे, जिन चीज़ों को हम आउटडेटेड मान रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि
वो बैठ के जो तपस्या या ध्यान करते थे वो हमारे दुनिया को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता था। हम बोलते हैं डू गुड हैव गुड थिंक गुड थिंक गुड यू विल हैव गुड। जो हमारे विचार हैं वो भ्रमण करते हैं पूरे आकाश में हमारे शरीर में। यदि हम थिंकिंग हमारी सही है तो बहुत सारी चीज़ें जो है थिंकिंग से हमारे शरीर में भी स्वस्थता जो है वो प्रदान करती है। जी बोलते हैं ना नेगेटिव मत सोचो पॉजिटिव सोचो। जी सोच यानी कि थिंकिंग है ना। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो वो बॉडी में पॉजिटिव ही होना शुरू हो जाता है। जी अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखते हो चाहे वो हेल्थ को लेके है या और कोई एस्पेक्ट हो लाइफ का तो वो नेगेटिव ही चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि सूक्ष्म तरंगे हमारे जीवन में या पूरे आसपास भ्रमण करती है और वही वापस हमारे पास आती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जी वेदर इट इज थॉट और वेदर इट इज अवर आउटर एक्सटर्नल एक्शंस और इंटरनल एक्शंस तो उनके बहुत ज़्यादा हेल्थ पे इसका इफेक्ट है। इसीलिए अपने विचार भी शुद्ध रखने चाहिए अपना आहार भी शुद्ध रखना चाहिए और अपना खान पान भी शुद्ध रखना चाहिए। जी तो जो पॉजिटिविटी है सकारात्मकता वो जीवन में बहुत अहम भूमिका स्वस्थ निभा स्वस्थ रखने के लिए सकारात्मकता बहुत ज़रूरी है। जी बहुत ज़्यादा जरूरी। डॉक्टर निशा जिस तरह की हमारा आजकल जो जीवन शैली है वो बहुत बदल चुकी है यदि आज भी व्यक्ति चाहता है कि वो अपने जो है शरीर का शुद्धिकरण करे तो उसके लिए आयुर्वेद में क्या उपाय बताए गए हैं। देखिए जी शुद्धिकरण तो दो तरह का है। एक शुद्धिकरण आप घर पे कर सकते हैं। जी एक शुद्धिकरण वो है जब आप बीमार होते हैं तो जो आयुर्वेद में पंचकर्मा बताया गया है वो शुद्धिकरण की बात है। जी पहले तो हम घर की शुद्धि की बात है कि भी हम घर में कैसे शुद्ध रहें या अपने शरीर से टॉक्सिन्स कैसे निकालें तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान है हमारे योग का या साथ में आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। बॉडी का स्ट्रेस है वो चाहे फिजिकल स्ट्रेस है या मेंटल स्ट्रेस है उसके लिए योग बहुत ज़रूरी है। और अगर योग को आप अब छोटे से उसमें लें आसन ही ले लें या हम प्राणायाम ही ले लें तो वही शुद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। बॉडी में ऑक्सीजनेशन बढ़ाने के लिए जिससे हमारे हार्मोन सही रहें हमारी बॉडी की फंक्शनिंग सही रहे तो उसके लिए प्राणायाम और फिजिकल जो हमारी बीच में जो हमारी शरीर में गांठें बन जाती हैं या तनाव होता है उसको ठीक करने के लिए आसन जो है तो आसन प्राणायाम ये शरीर को स्वस्थ रखते हैं जो हम घर में कर सकते हैं। जी ये तो स्वस्थ है। और सेकंड ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो चुकी है जो हम अभी बात कर रहे थे। जी कि लाइफस्टाइल क्या है। लाइफस्टाइल ये है कि मोबाइल्स की वजह से अगर हम बैठे हैं तो हम उसी में दो दो घंटे बिता देते हैं। जी वी आर सिटिंग ऑल द टाइम या हम मोबाइल सुन रहे हैं तो कितने घंटे हम मोबाइल पे रहते हैं तो आप देखिए ना वो स्पॉन्डिलाइटिस हर पर्सन को स्पॉन्डिलाइटिस है। आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को अगर शुद्धि मतलब इनको सही रखना है तो आपको योग और फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज भी हम बोलते हैं कि इंसान को 5 से 10 किलोमीटर हर रोज़ चलना चाहिए तो आधी बीमारियां तो वैसे दूर हो जाएंगी। जी सेकंड आते हैं हम जो आयुर्वेद की बात करी आपने शुद्धिकरण के लिए। जी तो वो बड़ा लंबा चौड़ा विज्ञान है पर मैं यही बताना चाहती हूँ कि आयुर्वेद में पंचकर्म है जिसमें वमन विरेचन और नस्य धारण ये 3-4-5 अभ्यंग है स्नेहन स्वेदन है उससे हम शरीर के जो वात पित्त कफ दोष हैं उनको कई औषधियों के तरीकों से स्नेहन करने यानी कि अभ्यंग करके या जिसको हम स्टीमिंग बोलते हैं उससे हम शरीर से निकालते हैं। बाद में धीरे धीरे आहार के द्वारा औषधियों के द्वारा धीरे धीरे शरीर को स्वस्थ करते हैं और जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी में वो उन शोधन द्रव्यों के द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। जी पर वो बहुत थोड़े से वक्त में हर चीज़ को बताना पॉसिबल नहीं है। जी डॉक्टर निशा आज आप कार्यक्रम में आई और इतनी अच्छी हमें जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज हमारे साथ थी डॉक्टर निशा जो कि आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर हैं और अर्की में अभी कार्यरत हैं। आज हमने उनसे जाना कि आयुर्वेद किस तरह से हमें अच्छी जीवन शैली जीने का एक मंत्र देता है और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाती है हमारा आहार हमारी दिनचर्या और हमारी सकारात्मक सोच। तो आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।